हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश बैटल। तो आज जो हम स्टोरी रीड करेंगे वो इस बारे में है कि कौन सी जिंदगी जीना ज़्यादा बेहतर होता है, छोटी जिंदगी लेकिन मीनिंगफुल जिंदगी, या फिर लंबी जिंदगी लेकिन मीनिंगलेस जिंदगी। तो हमेशा की तरह आज की स्टोरी को रीड करके हम सीखेंगे कुछ न्यू इंग्लिश वर्ड्स। तो स्टोरी का टाइटल है विच लाइफ इज बेटर, विच मीन्स कौन सी या कौन सा। विच का यूज किया जाता है जब आपको दो या दो से अधिक चीजों में से किसी एक चीज को चुनना हो। लाइफ मीन्स जीवन या जिंदगी, इज है बेटर, बेटर मीन्स बेहतर, कौन सी जिंदगी बेहतर है। वंस एक बार, रोज गुलाब एंड बुश और झाड़ी वर थे क्लोज फ्रेंड्स, करीबी दोस्त। तो एक बार गुलाब और झाड़ी करीबी दोस्त थे। बुश का मतलब होता है झाड़ी, मीन्स जो यूजलेस प्लांट्स रहते हैं उनको बोलते हैं बुश। क्लोज फ्रेंड्स मीन्स करीबी दोस्त, मतलब बहुत अच्छे वाले दोस्त। वन डे एक दिन, बुश सैड झाड़ी ने कहा टू रोज गुलाब से, डियर रोज प्रिय गुलाब, हाउ ब्यूटिफुल यू आर, तुम कितने सुंदर हो। हाउ ब्यूटिफुल यू आर एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम अपने अंदर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, डिजायर को या सरप्राइज यानी कि आश्चर्य को व्यक्त करते हैं। तो इस सेंटेंस में जो बुश है यानी कि झाड़, वो रोज को एक्सक्लेम कर रहा है, मीन्स अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को व्यक्त कर रहा है रोज को कि तुम कितने खूबसूरत हो। बुश इस सेंटेंस में रोज से ये पूछ नहीं रहा है कि तुम इतने खूबसूरत कैसे हो, वो यहाँ पे एक्सक्लेम कर रहा है, आश्चर्य व्यक्त कर रहा है कि तुम कितने सुंदर हो। सो नेक्स्ट रीड करते हैं, यू आर तुम हो द ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है परम आनंद या खुशी। तो तुम खुशी हो ऑफ द गॉड्स, भगवानों की, द मैन आदमियों की, एम ए एन मैन का मतलब होता है एक आदमी, एंड एम ई एन मैन मीन्स एक से ज्यादा आदमी, एंड द टेम्पल्स और मंदिरों की। तो यहाँ पे बुश रोज को बोल रहा है कि तुम भगवानों का, आदमियों का और मंदिरों का परमानंद हो, मीन्स सब तुम्हें पसंद करते हैं। योर तुम्हारा, ब्यूटीफुल खूबसूरत, शेप आकार, वाइब्रेंट कलर, वाइब्रेंट मीन्स चटक या चटकीला, चटकीला रंग, एंड फ्रेग्रेंस और महक, इज प्रेज्ड बाय ऑल, सबके द्वारा सराहे जाते हैं, मीन्स सबके द्वारा तुम्हारे खूबसूरत आकार को, चटकीले रंग को और महक को सराहा जाता है। द रोज गुलाब, देन फिर हीव्ड अ साय, हीव्ड अ साय मीन्स सांस ली एंड सैड, और कहा ओ बुश डियर, ओ प्रिय झाड़ी, माई लाइफ इज टू शॉर्ट, मेरा जीवन बहुत छोटा है, एंड और इवन इफ भले ही, आई एम नॉट प्लक्ड मुझे तोड़ा ना जाए, आई विदर मैं मुरझा जाता हूँ, ऑन माई ओन खुद ही, ऑन माई ओन मीन्स खुद ही, एंड माई पेटल्स, पेटल्स मीन्स पंखुड़ियाँ, और मेरी पंखुड़ियाँ फॉल गिर जाती हैं ऑन द ग्राउंड जमीन पर, वेयर एज जबकि यू आर नॉट प्लग्ड तुम्हें तोड़ा नहीं जाता, एंड लिव अ लॉन्ग लाइफ और एक लंबा जीवन जीती हो, यू नेवर फेड तुम्हारा कभी रंग नहीं उतरता, फेड मतलब रंग उतरना या फीका पड़ना, तो तुम कभी फीकी नहीं पड़ती। तो रोज बुश को कहता है कि तुम्हें तोड़ा नहीं जाता और तुम एक लंबा जीवन जीती हो, तुम कभी फीकी नहीं पड़ती या तुम्हारा कभी रंग नहीं उतरता। बट बुश इज नॉट श्योर इवन टुडे, झाड़ी आज भी आश्वस्त नहीं है, श्योर मीन्स आश्वस्त या निश्चित, एंड इवन मीन्स भी। तो झाड़ी आज भी आश्वस्त नहीं है, मीन्स उसे आज भी नहीं पता कि whether leading a dull and long life is better or one day is living with glory।
मीन्स नीरस और लंबा जीवन जीना बेहतर है या शोभा से एक दिन का जीवन जीना. डल मीन्स नीरस. लिविंग मीन्स जीविका, मीन्स जीवन जीना. एंड ग्लोरी मीन्स शोभा या वैभव. तो आपको क्या लगता है कि कौन सा जीवन ज़्यादा बेहतर होता है जीना, नीरस और लंबा या ऐसा जीवन कि जो भले ही छोटा हो लेकिन ऐसा हो कि हम किसी के काम आ सकें और हमारे जाने के बाद भी हमें याद रखा जाए. तो कमेंट करके ज़रूर बताना फर्स्ट वाला या सेकंड वाला. सो आज के लिए इतना ही. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.